हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके लिए सबसे फास्टेस्ट चैमिलियन की गेम प्ले वीडियो लेके आ चुका हूँ। रोल की बात करें तो यहाँ पे सर्वाइवल बैकस्टेबर और मेरा पार्टनर बाउंटी है। स्पेस क्रू में वेटरन, सीर, डॉक्टर, इंजीनियर, स्वैपर, शेरिफ अच्छे रोल आए हुए हैं। और यहाँ पे मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ एक को मारने के लिए। तो ये ऑरेंज को मार दिया और वहाँ से भाग रहा हूँ और वहाँ पे रेड देख रहा है भाई कौन मार के चला गया। इतने में ना बैकस्टैबर ने भी यहाँ पे हमारी साइड ले ली और यहाँ पे मैं डोर क्लोज करने स्टार्ट कर देता हूँ। और इतने में गेम खत्म हो जाती है भाई। अभी तो एक मिनट भी नहीं हुआ है और यहाँ पे गेम खत्म हो गई। तो यहाँ पे हम चार लोग जीत चुके हैं, सर्वाइवल, बैकस्टेबर, बे और मेरा पार्टनर। गेम कब स्टार्ट हुई और कब खत्म हो चुकी पता ही नहीं चला भाई। बहुत ही फास्टेस्ट यहाँ पे विक्ट्री की है। तो ये सबसे फास्टेस्ट चैमिलियन गेम प्ले वीडियो थी। क्या मतलब की सर्वाइवल, बैकस्टेबर और बाउंटी हंटर थे गेम में। तो ये गेम के तो रोल चेक करने की भी जरूरत नहीं है भाई, बहुत ही जल्दी गेम खत्म कर दिया। फिर भी आप यहाँ पे रोल चेक कर सकते हैं। तो चलो दूसरी गेम देखते हैं। रोल्स की बात करें तो यहाँ पे डोडो फैंटम आए हुए हैं और मेरा पार्टनर ब्लैक जैक है। टाइम मास्टर, वार्डन, सिक्योरिटी, बहुत अच्छे अच्छे रोल आए हुए हैं स्पेस क्रू में भी। तो डोर क्लोज करके ये मारा वाइट को और यहाँ पे वेंट करके निकल जाता हूँ मेडबे की वेंट पे, क्योंकि डॉक्टर आया होगा तो डॉक्टर को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ और इतने में ब्लू की बॉडी रिपोर्ट हो जाती है और ब्राउन ने रिपोर्ट की है और दो बंदे मर चुके हैं। तो चलो देखते हैं मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है। और ब्लैक जैक है तो रोल तो कोई ड्रॉप नहीं करेगा। तो यहाँ पे सब लोग ना माइंड स्किप करते ही जा रहे थे, कोई मीटिंग में बोल ही नहीं रहा था। मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ, मैं मरने वाला हूँ। ये मैं हूँ शेरी, मैंने किल किया और ये उसी वक्त आया, ठीक है, जिसने रिपोर्ट किया बॉडी। अब ये कोइंसिडेंस हो गया कि इसने देख लिया, मैं करने ही वाला था रिपोर्ट, जैसे मैंने किल किया मेरा लैग हुआ और इसने रिपोर्ट कर दिया। और मेरे पास मेडवे भी है और मैं शेरी को, और मेरा गिमिक है एनर्जी ड्रिंक, तो मैं तुमको दिखा सकता हूँ, सब मेडवे में आ जाओ। तो जैसे ही पर्पल ने बोला तो मेरा पार्टनर ने यहाँ पे उसको शेरिफ गेस ले लिया और वो मर चुका है। यहाँ पे उसको वेटरन गेस लेना चाहिए था क्योंकि एनर्जी ड्रिंक उसका जिमिक है। अब पता नहीं उसने क्या गेस लिया है, लेकिन हम लास्ट में पर्पल का रोल देखेंगे। और यहाँ पे तीन वोट पर्पल पे आते हैं और तीन स्किप होते हैं। तो वोट आउट वहाँ पे ड्रॉ हुआ था तो वहाँ पे स्किप हुआ था। और यहाँ पे फिर से गेम स्टार्ट होती है और मैं कैफेटेरिया का डोर क्लोज करता हूँ और मेरा पार्टनर यहाँ पे निकल चुका है, यानी मेरा साथ छूट चुका है। अब मेरे को अकेले ही ये गेम देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे पर्पल बोला था कि उसके पास मेडबे, इसलिए यहाँ पे मैं मेडबे का गेट क्लोज करता हूँ ताकि मेरा कूल डाउन भी यहाँ पे चार्ज हो जाए और मैं लाइट ऑफ करके एक को मार दूंगा। देखो बहुत सारे स्पेस क्रू गलती करते हैं, जब कोई बंदा बोलता है कि उसके पास मेडबे है तो सारे झुंड में उसका मेडबे देखने चले जाते हैं और इंपोस्टर वहाँ पे लाइट ऑफ करके डबल किल कर देता है। तो ये गलती मत कीजिएगा, आप ना जाके वहाँ पे लाइट फिक्स कर दीजिएगा। तो वहाँ पे आप तुरंत लाइट फिक्स कर दोगे तो यहाँ पे जो डबल किल होने का जो चांसेस है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे तो टाइम मास्टर ने टाइम डिमांड किया था और यहाँ पे लाइट फिक्स कर दी और यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई आएगा तो मारूंगा। इतने में ब्राउन आके मीटिंग बुला देता है। तो यहाँ पे ब्राउन ने मीटिंग बुला के सीधा माइंड स्किप कर दिया, मैंने भी यहाँ पे स्किप कर दिया। और यहाँ पे मीटिंग में कोई बोल ही नहीं रहा था क्योंकि गेम में ब्लैक जैक था। और यहाँ पे मैं पर्पल को बोलता हूँ कि भाई अब एक्सपर्ट मैच में मेडबे नहीं दिखता। अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखिएगा कि अब से एक्सपर्ट मैच में मेडबे नहीं दिखता। ना सब लोग एक साथ जा रहे हैं, बोला मैं क्या करूँ, डाउनलोड वगैरह कर रहे, डाउनलोड करने का। तो देखो ये मीटिंग में तो कुछ डिस्कस नहीं हुआ था, बस यही हुआ था कि ग्रीन को निकाल दो। ग्रीन को यहाँ पे ब्राउन ने स्कैन कर लिया था और उसका फ्रैक्शन न्यूट्रल था। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि भाई फैंटम को क्यों निकाल रहे हो, फिर भी इन लोगों ने फैंटम को निकाल दिया। और इस गेम में ना एक नहीं दो फैंटम आए हुए थे। तो ये पहला फैंटम यहाँ पे निकल चुका है, जो अपना ग्रीन है वो फैंटम था। यहाँ पे मैं कॉम से डाउन करना पड़ेगा तो फैंटम टास्क करके जीत जाएगा। देखो बहुत सारे बंदों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि भाई फैंटम निकल जाता है और आप इम्पोस्टर बनते हो और आपने कम्युनिकेशन डाउन किया है तब तो आपको किल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो देखो उसका आंसर है कि अगर बहुत सारे बंदे अलाइव हो
तो फिर किल मत कीजिएगा, तब आप फैंडम पकड़ लीजिएगा शुरू में। और अगर बंदे कम बचे हो तो फिर आप किल कर सकते हैं। और अगर आप अकेले इम्पोस्टर बचे हो और फैंटम निकल जाता है तो किल मत कीजिएगा। और अगर दो ही बंदे मरे हैं जिसमें से एक फैंटम होगा और आपका पार्टनर अगर जिंदा है और फैंटम निकल जाता है तो हो सके तो अपने पार्टनर के साथ ही घूमिएगा, कि वहाँ पे शेरिफ ना किसी पे ट्रायल ले सकता है, तो अपने पार्टनर के साथ डबल किल कर दीजिएगा। लेकिन आप अकेले ही इम्पोस्टर बचे हो तो फिर किल मत कीजिएगा, या फिर ऐसी जगह पे किल कीजिएगा कि वहाँ पे कोई बंदा अकेला घूम रहा होगा। अब यहाँ पे ना फैंटम वैन से बाहर नहीं निकल रहा था, तो यहाँ पे मैं लाइट अप करता हूँ ताकि फैंटम अपनी वैन से बाहर निकल जाए। यहाँ पे भाई क्या ही बच गया, यहाँ पे ब्राउन को मैं मारने वाला था, टाइम मास्टर ने रिवाइंड कर दिया था, लेकिन मैं फिर से ब्राउन के पास आ गया था तो मैंने ब्राउन को मार दिया और इतने में मेरे को फैंटम दिख जाता है। मैं फैंटम को पकड़ने के लिए भागता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऑटो का रिएक्टर बुलाता हूँ ताकि सब लोगों को ऑटो ठीक करने जाए, ताकि ब्राउन की डेड बॉडी किसी को मिले ना। और फैंटम यहाँ पे जंपी लगा के भाग रहा है। 6 सेकंड के बाद मैं फैंटम को अपने मैक्स जेमिक का पावर दिखाने वाला हूँ। तो ये गया फैंटम, और वहाँ पे ना ब्राउन को मारने के लिए मैंने और एक गलती की थी, तो वो कौन सी गलती थी वो कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे ऑटो का रिएक्टर फूट जाता है। यहाँ पे मैंने पिंक पे यहाँ पे किल पे ट्राई किया था लेकिन रिएक्टर ही फूट गया और यहाँ पे गेम खत्म हो जाती है। तो आई होप गाइस आपको ये चमेलियन की गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करो अपने दोस्तों को, और चैनल पे जितने भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आप सभी का रोल भी चेक कर लीजिएगा। और देखो यार पर्पल का रोल देखो यहाँ पे वेटरन का ही है। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय। We will not fear the puny imposter.